प्रिय प्रभु की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ आज की शाम में वचन को बांट सकूँ। और जबकि हम आज इस फ्राइडे में परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, तो अपने मनों को तैयार करें प्रियो कि आज जो वचन हमारे लिए है वो हमारे लिए बरकत को उत्पन्न करने पाए, पैदा करने पाए। आज ये बीज जब आपकी भूमि पे पड़े तो निश्चय फल को लेके आए। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है, बड़ी बरकत देने जा रहा है। प्रियो, मैं आपसे निवेदन करूँगा वचन को अंत तक सुनिएगा, वचन को अंत तक सुनिएगा, ताकि जो बरकत प्रभु ने आज शाम में आपके लिए रखी है उससे आप पा सकें। और विशेष करके मैं फैमिलीज़ को इस बात के लिए प्रेरित करूँगा कि वो आज के इस वचन को ज़रूर से सुने प्रियो, ज़रूर से सुने, क्योंकि उनके लिए बड़ी आशीष परमेश्वर ने आज के दिन में रखी है। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। और जो वचन प्रभु ने आज मेरे हृदय में दिया वो पाया जाता है मरकुस उसके पहले अध्याय और उसके 19वें पद में। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह ने जब्दी के दोनों पुत्रों को देखा, यूहन्ना को और याकूब को, और वचन बताता है कि वो अपने जालों को सुधार रहे थे। पता है, जाल सुधारे तब जाते हैं जब उनसे हम फिशिंग करते हैं, और फिशिंग के दौरान क्या होता है, बहुत सारी बातें हैं जो जाल में फंस कर आ जाती हैं, जैसे कोई गंदगी, कोई बोतल, कूड़ा करकट, ये सारी चीज़ें जाल में फंस जाती हैं या जाल टूट जाता है। और इस कारण से क्या करते हैं मछुआरे, उन जालों को बनाते हैं या सुधारते हैं। और ऐसा ही काम ये दोनों भाई भी कर रहे थे। और वचन बताता है यीशु मसीह ने उन्हें देखा और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वो लोग सबको छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी आत्मिक रीति पर अपने जालों को सुधार रहे हों। हो सकता है परिवार में, हो सकता है समाज में, हो सकता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आप जालों को सुधार रहे हैं। आपको लग रहा हो कि आपका परिवार बिखर रहा है और उस जाल को अब सुधारने की आवश्यकता है और अपने रिश्ते बनाने की आवश्यकता है। सो प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी अपने रिश्तों के जाल को सुधारना चाह रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर बार बार कलेश हो रहा है, बार बार परिस्थितियाँ बद से बदतर हो रही हैं। हस्बैंड वाइफ को नहीं समझ पा रहा, वाइफ हस्बैंड को नहीं समझ पा रही है, और जाल बिगड़ते चले जा रहे हैं। प्रियो, आप मेहनत कर रहे हैं पर कोई फल नहीं हो रहा। मैं आज आपसे कहता हूँ प्रियो कि आज आपको यीशु मसीह के पीछे होने की ज़रूरत है। यीशु मसीह जो सब कुछ कर सकता है उसे अपने जालों को दे दीजिए, क्योंकि वही आपके बिगड़े जालों को सुधार सकता है, आपके परिवार के जीवन को सुधार सकता है, पारिवारिक रिश्ते को सुधार सकता है, आपके सांसारिक सामाजिक रिश्ते को सुधार सकता है। प्रियो, आज अगर आपके जाल भी बिगड़ गए हैं, आपके जीवन में भी ऐसा लगता है रिश्ते खराब हो चुके हैं, तो आज आपको अपने जालों को यीशु को देने की ज़रूरत है, उसके पीछे चलने की ज़रूरत है। जैसे याकूब यूहन्ना ने उन जालों को छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए, आप भी अब इन बातों को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने बहुत परिश्रम कर लिया पर आपसे सुधर नहीं रहा। प्रियो, आपके जाल सुधरने में नहीं आ रहे, आपके रिश्ते सुधरने में नहीं आ रहे, आपके पारिवारिक कलेश दूर नहीं हो रहा, तो आज उन जालों को छोड़ दीजिए और अपनी चिंता, अपनी परेशानियां यीशु के हाथ में दे दीजिए। सिर्फ यीशु के पीछे हो लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियो, भजन संहिता 37 अध्याय उसके 5वें पद में, कि अपनी चिंता यहोवा पर डाल दे क्योंकि वही उसे पूरा करेगा। आप अपनी चिंताओं को अपने यहोवा परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए प्रियो। हाँ, क्योंकि वही सब कुछ कर सकता है, उसके अंदर ये सामर्थ्य है, वो आपकी बिगड़ी परिस्थितियों को बना सकता है, बिगड़े रिश्तों को सुधार सकता है। आज आशा चली गई है, वो आपकी आशा को वापस आपके जीवन में लेके आ सकते हैं। प्रभु यीशु के आपको पीछे चलना है, सब कुछ उसके हाथों में सौंपिए, सब कुछ उसके हाथों में दे दीजिए। प्रिय, पता है आज परिवारों में बहुत ज़्यादा कलेश है, बहुत ज़्यादा हालात बद से बदतर हैं। कितने मैरिजेस टूट रहे हैं, ब्रोक हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं। और पता है बात तो बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी सी होती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है नीति वचन उसके 17 अध्याय 14 पद में कि झगड़े का आरंभ छोटे बांध के छेद के समान है, जिसे बढ़ने पर छोड़ देना उत्तम है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, झगड़े को खत्म कर दीजिए, झगड़े को खत्म कर दीजिए, क्योंकि जहाँ झगड़ा होगा वहाँ बहुत ज़्यादा बातें होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी और आपका रिश्ता बद से बदतर हो जाएगा। आज आपको शैतान को अवसर मत दीजिए अपने जीवन में, आप नहीं दीजिए उसको अवसर, क्योंकि जहाँ उसे अवसर मिला वो आपके जीवन में काम करेगा, आपके परिवार को खराब करेगा, आपके परिवारों में से शांति को चुराएगा, आनंद को चुराएगा और बहुत सारी बातों को आपके बीच में उत्पन्न करेगा, ताकि आपका वैवाहिक जीवन टूट जाए। पता है प्रभु ने इसीलिए घोषणा करी, जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कोई अलग ना करे। आज ये जाल आपके केवल और केवल परमेश्वर सुधार सकते हैं। परिवार के रिश्ते केवल प्रभु सुधार सकते हैं, केवल और केवल यीशु मसीह है प्रियो जो आपके रिश्तों को सुधार सकते हैं। आज मैं आपसे एक बात करता हूँ, पता है क्या छोटी बात है जिससे झगड़ा होता है। झगड़े का कारण पति ने गुस्सा करा, पत्नी ने नमक ज़्यादा डाल दिया सब्जी में, गुस्सा हो गया। उधर से पत्नी ने कुछ कहा, अब तो तुम्हें खाना पड़ेगा, ऐसी खाओ, मैंने ऐसी बनाई है। दोनों झगड़ने लग गए और शैतान को अवसर मिला कि उसके परिवार को वो खराब करे। पर पता है यदि हम ऐसा ना करें, हम उसे अवसर ना दें प्रियो, तो हम बहुत सारी बातों को सुधार सकते हैं। आज आपको लग रहा है आपका जाल बिगड़ चुका है, नहीं हो सकता साफ, सुधार नहीं सकता, कोई सुधार नहीं आएगा, परिवार में कोई सुधार नहीं है, बहुत प्रार्थनाएं करी हैं, बहुत हमने कोशिश करी है पर कुछ नहीं हो रहा। आज आप यीशु मसीह के पीछे चलिए, आज आप यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु ग्रहण करिए और दे दीजिए उसके हाथों में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, आपके सारे हालात सुधर जाएंगे, आपके सारे हालात सुधर जाएंगे। अपनी चिंता अपने प्रभु यहोवा पे डाल दीजिए। पता है मूसा की माँ की एक बड़ी चिंता थी। जब मूसा पैदा हुए उन्होंने 3 महीने तक उन्हें छुपा रखा, पर उसके बाद वो उसे छुपा नहीं पाए, तो वचन बताता है कि इन्होंने उसे टोकरी में रख के नील नदी में छोड़ दिया। आप देखिए कितनी हैरानी की बात है, नील नदी में हो सकता है मगरमच्छों, हो सकता है और बहुत सारी बातें, वो डूब सकता था, कुछ भी हो सकता था, पर उसने छोड़ दिया। और वचन बताता है कि वह सही सलामत दूसरे स्थान पे पहुंचा। प्रियो, आज आपके जीवन की चिंताओं को भी आप यहोवा के हाथ में छोड़ दीजिए। मूसा की माँ ने विश्वास किया कि प्रभु ने ये पुत्र दिया है तो वो निश्चय इसकी सुधि लेगा, परमेश्वर ने ये बालक दिया है तो वो उसकी रक्षा भी करेगा। आज आपको लग रहा है आपके बच्चे नहीं सुधर रहे, वो भी एक जाल है आपके जीवन में। आपको लग रहा है वो नहीं सुधर रहे, नहीं परिवर्तित हो रहे और तरह तरह की बुरी चीज़ों में पड़ चुके हैं, आप उनकी चिंता कर रहे हैं। आज आपसे कहता हूँ अपनी चिंता यहोवा पर डाल दीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें प्रभु के हाथों में। विश्वास करिए कि प्रभु ने दिया है, प्रभु उसकी सुधि रख सकता है। आपको जो करना है यीशु पे विश्वास करिए, उसके पीछे चलिए और प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उन्हें जीवन दे, परमेश्वर उनके भीतर काम करें और निश्चय प्रभु ऐसा ही करेंगे। प्रियो, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर हैं। आप देके देखिए अपनी चीज़ों को उनके हाथों में, आप देके देखिए अपने जालों को उनके हाथों में और उनके पीछे चलना आरंभ करिए। आप देखेंगे चीज़ें बदल जाएंगी, आप देखेंगे परिवार सही हो जाएगा, परिवार में सुख शांति समृद्धि वापस आने लगेगी। उसका कारण ये है क्योंकि यहोवा आपके बीच में काम करेगा। हालेलुया, प्रभु आपके बीच में अद्भुत कार्य को करेंगे। प्रियो, आज शाम मैं कहना चाहता हूँ, बहुत हुआ, बहुत समय से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, नहीं सुधर पा रही चीज़ें। आज परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, आज प्रभु को पुकार लीजिए, आज कह दीजिए यहोवा, यहोवा मेरा परिवार तेरे हाथ में है। यहोवा तूने मुझे इस परिवार में जोड़ा था। पत्नियां अगर प्रार्थना कर करके थक गई हैं, पति नहीं बदल रहे, तो आज कहिए, प्रभु तूने मुझे ये पति दिया था, प्रभु तूने ही दिया था, मैं तेरे हाथों में देती हूँ, तू ही बदल। पत्नियाँ अगर शायद नहीं ठीक चल रही तो पतियों को चाहिए कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु ये पत्नी तूने जोड़ी थी, तू साक्षी था परमेश्वर, तू ही मुझे मेरी पत्नी को बदल के दे परमेश्वर, उसे परिवर्तित कर, उसके जीवन को परिवर्तित कर परमेश्वर। पता है प्रभु इसे करेंगे, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कामों को करने पाएंगे। प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियो कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना सब कुछ कर सकती है, सब कुछ आपके जीवन में प्रभु कर सकते हैं। आज बस आपको उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। आज अपने जालों को छोड़ दीजिए, यीशु के हाथों में छोड़ दीजिए, यीशु के खातिर कहिए प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, मैं छोड़ता हूँ, मैं बस आपके पीछे चलूँगा, मैं आपके पीछे चलूँगी स्वामी, और आप ही मेरे जीवन की चिंता करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप बड़े कामों को प्रभु के अपने जीवन में देखने पाएंगे। आज के दिन में प्रार्थना करें मेरे साथ कि प्रभु आपके परिवार से कलेश दूर करें, परिवार से चिंताओं को दूर करें, बच्चों को सही मार्ग पे लेके आए। आज मेरे साथ प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि आप सच में हमारे जीवन को सुधारने वाले परमेश्वर हैं। आज जीवन के जाल बिगड़ चुके हैं प्रभु, परिवार के संबंधों के जाल खराब हो चुके पिता, पर आप उसे बना सकते हैं, आप सुधार सकते हैं प्रभु, आप उसमें सुधार को लेके आ सकते हैं परमेश्वर। मैं चाहता हूँ आज जो मेरे भाई, जो मेरे बहन इस घड़ी में प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, आत्मा में हम एक हैं परमेश्वर, मैं चाहता हूँ प्रभु, बहुत समय से उन्होंने प्रयास किया, बहुत समय से कोशिश करी प्रभु कि उनका संबंध सुधर जाए प्रभु जी, पति पत्नियों का संबंध सुधर जाए, बच्चों से, समाज से उनका संबंध सुधर जाए प्रभु, लेकिन सुधर नहीं पा रहा। आज यीशु सब कुछ छोड़ के बस आप पे भरोसा करते हैं और आपके पीछे आते प्रभु, और जालों को छोड़ देते, अपनी चिंताओं को छोड़ देते हैं यीशु, और आप पे भरोसा करके आपके करीब आते हैं प्रभु। आप सुधारिए, आप परिस्थितियों को बदलिए परमेश्वर पिता, आपके हाथों में देता हूँ यीशु मसीह इन सबको, इनकी प्रार्थनाओं को, इनकी निवेदनों को आपके चरणों में उठाता पिता, मैं विनती करता प्रभु, परिवारों को बदलिए, कलेश को दूर करें, फिर से आनंद, फिर से शांति को स्टैब्लिश करें इनके बीच में प्रभु जी, कलेश की आत्मा को रिमूव करें प्रभु। प्यारे यीशु आपके नाम से डांटता, हुक्म देता हूँ कलेश का आत्मा परिवारों से निकल जाए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, वो स्पिरिट जो मैरिजेस को ब्रेक करता, ओ दुष्टा की सामर्थ को मैं यीशु के नाम से बांधता, हुक्म देता हूँ निकल जाए और इनके बीच से निकल जाए, दोबारा प्रवेश ना करे, यीशु नासरी के नाम में मैं इस बात को कहता हूँ प्रभु। इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ, प्रार्थना करता परमेश्वर, खुशहाली का जीवन दे, परिवार में खुशहाली का जीवन दे प्रभु, प्रार्थनाओं का जीवन दे, पारिवारिक प्रार्थना को स्टैब्लिश करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियो, यदि आपने आज इस वचन से आशीष पाई है, यदि आपने इस वचन से आशीषों को पाई है तो हमें ज़रूर से बताएं, हमारे प्रार्थना भवन पे संपर्क करें, हमें अपनी गवाहियाँ दें, हमें बताएं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं प्रियो। और आपको अगर ये वचन आशीष दे रहे हैं तो आप इन्हें शेयर करें, इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ बांटें ताकि वो भी आशीषों को पाएं, ताकि वो भी बरकतों में बढ़ने पाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दें यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये प्रोग्राम से आशीष मिली है तो आप भी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटें। दोस्तों, अगर आप भी किसी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं और या फिर आप अपने चर्च के लिए किसी भी प्रकार की वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ भी काम कराना चाहते हैं, जैसे मोन्टाज, यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल राइडिंग माई ड्रीम्स को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे पते पे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कार्ड पे दिए हुए नंबर और पते पे मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। परमेश्वर आपको आशीष दे।